रियान इंटरनेशनल स्कूल में मोंटेसरी ग्रेजुएशन सेरेमनी एंड एनुअल डे का आयोजन किया गया, जिसमें 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और 5 साल के बच्चों का पहली कक्षा में जाने पर उनका उत्साह बढ़ाया गया। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। गुड आफ्टरनून, मैं पिया शर्मा हूँ, प्रिंसिपल रैन इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद की, और आज हमारे यहाँ एक छोटे बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है बाय द नेम ऑफ मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन एंड एनुअल डे। आज हमारे छोटे बच्चे 5 साल के ग्रेजुएट हो रहे हैं क्लास 1 के लिए, सो दैट इज़ व्हाट द होल प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आर स्टूडेंट्स ऑफ 1 to class 5 एज वेल। जो बच्चों ने सारा साल मेहनत करी है डांस में, म्यूज़िक में, आर्ट्स में, यू नो, जो 100% अटेंडेंस वाले बच्चे हैं, आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे हैं अकेडमिक्स में भी, ऑलराउंडर्स हैं, आई थिंक हमने सारे बच्चों को अवार्ड दिया है। सो पर क्लास अराउंड 28 अवार्ड्स आर गोइंग, हर बच्चे को रिकॉग्नाइज करा जा रहा है उसकी हार्डवर्क के लिए। मैम देखिए, हर पेरेंट चाहता है अकेडमिक एक्सीलेंस, बट दे डू नॉट नो इट्स नॉट अकेडमिक्स ओनली। बच्चे की पहले तो जो हर बच्चे की एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक स्पेशल टैलेंट होता है। कोई बच्चा अकेडमिक्स में अच्छा है तो कोई बच्चा नाच गाने में अच्छा है, कोई बच्चा स्विमिंग में अच्छा है, कोई चेस में अच्छा है। सो सबसे पहले चीज़ अपने बच्चे की काबिलियत देखिए। और स्कूल में क्या होता है, हम बच्चे को एक बुफे देते हैं जिसमें सारा कुछ सर्व किया जाता है। म्यूज़िक में है तो आपको पियानो प्ले करना है, वायलिन प्ले करना है, बोंगो प्ले करना है, यू नो, गिटार प्ले करना है, चूज़ योर इंस्ट्रूमेंट। स्पोर्ट्स में whether you want to do hockey, you want to do cricket, you want to do, you know, volleyball, आप हर चीज़ का बच्चे को टेस्ट दीजिए और जिसमें बच्चा निकलना चाहता है आगे निकालिए। देखिए, मार्क्स स्कूल में इम्पॉर्टेंट है, पर हर बच्चा 80-90% नहीं होता। आप अपना हार्डवर्क करिए, एक डिसेंट मार्क्स स्कोर लाइए, आई थिंक 60-70 भी चलता है अगर आप कोई और क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आजकल की दुनिया में मैम 21st century हमारे जो चल रहे हैं, मार्क्स इज़ नॉट एवरीथिंग, हमने देखा है। एंड आई थिंक वी बीन सीइंग, अब जो बच्चे निकल रहे हैं, जो हमारी एलुमनाई भी आ रही है, दे वर नॉट 100% स्कोरर्स, दे वर नॉट 90%ers, बट टुडे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो द होल आइडिया इज़, जहाँ आपकी हॉबी है, जहाँ आपका पैशन है, आप वो करिए, बट पूरी 100% मेहनत के साथ करिए। आपके स्कूल की बात करें तो आपका स्कूल सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना चाहता है? मैम, हमारा स्कूल जाना चाहता है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। अगर आप एक रैनाइट की पहचान देखेंगे तो रैनाइट की एक पहचान होगी एक पर्सनालिटी जो कॉन्फिडेंट है, फुल ऑफ वैल्यूज़ है, कंपैशनेट है, नॉलेजेबल है, और उसको पता है कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है। सो माई चाइल्ड वुड बी आइडेंटिफाइड, ऑफकोर्स वो बच्चा ऐसा होगा जिसका एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आएगा, गॉड फेयरिंग होगा, एक स्पोर्ट्स में चल एक्टिविटी में एक्सेल कर रहा होगा, आर्टिस्टिक स्किल्स होगा। सो दिस इज़ व्हाट अ रैन चाइल्ड विल बी ऑल अबाउट। लव फॉर नेचर इज समथिंग, अगेन लीडरशिप स्किल्स होंगे बच्चे में, एंड वी नो हाउ टू मैनेज फाइनेंस एंड बिलीव्स अ लॉट इन चैरिटी। सो दैट इज़ व्हाट अ रैनाइट इज़ ऑल अबाउट।